तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो कहते हैं ना कि दोज हू रूल द स्काई कॉन्कर द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, TSFP, आई एम डॉक्टर सारा कुरैशी, आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर, अ जेट इंजन इन्वेंटर एंड अ हॉबी पायलट। शुरू से हमारे घर में कैसा एनवायरनमेंट था, दोनों पेरेंट्स मेरे साइंटिस्ट थे, तो वही साइंस का माहौल और इंजीनियरिंग का, और फिर एक इंटरेस्ट भी था इंजीनियरिंग में, कार्स में, इंजन्स में, एयरप्लेन्स में, और इनक्रेजमेंट भी मिली। और मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की EME कॉलेज नास से, उसमें भी मैं अकेली लड़की थी अपनी क्लास में। और फिर मोटरबाइक्स पे, प्लांट्स पे काम किया, कार प्लांट्स पे, और फिर कुछ देर इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब की, इसके साथ फ्लाइंग की ट्रेनिंग की, प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया। फिर उसके बाद मुझे UK में एडमिशन मिला क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक हब है एरोस्पेस का, तो वहाँ पे मुझे एरोस्पेस डायनामिक्स, जो कि जहाज़ों की स्टडी होती है, उसमें मास्टर्स किया बाय रिसर्च, और उस पर मैंने ड्रोन्स के ऊपर, उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के ऊपर काम किया। उसके बाद वापस आई पाकिस्तान, फिर PhD की स्कॉलरशिप मिली। PhD में मुझे जेट इंजन्स में PhD करने का मौका मिला, क्योंकि शुरू से रुझान था इंजन्स की तरफ, पहले ऑटोमोटिव इंजन्स की तरफ, फिर एरोस्पेस और जेट इंजन्स की तरफ। तो उसमें मैंने PhD की, और वहाँ पे मुझे एक ये प्रोजेक्ट दिया गया कि जहाज़ों को इको फ्रेंडली बनाना है। इनके पीछे से जो एक धुआं सा निकलता है, जिसको हम कॉन्ट्रेल कहते हैं, बेसिकली कंडेंसेशन ट्रेल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है, उसको ख़त्म करना है किसी तरह, या उसको सप्रेस करना है, अवॉइड करना है, मिटिगेट करना है। तो यूनिवर्सिटी में इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही थी डिफरेंट आइडियाज़ पे, और मैंने भी काम शुरू किया। और उसमें फिर उन्होंने एक दो इन्वेंशंस ऐसी की जो कि इंजन को इको फ्रेंडली या कॉन्ट्रेल फ्री बनाती हैं, जो कि उसके एमिशंस को, एग्जॉस्ट को प्रोसेस करके उनको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करती हैं, ताकि उसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो ना हो। और फिर ये कि इस वाटर को आप रीपर्पस कर सकते हैं, लैंडिंग से पहले आप एज आर्टिफिशियल रेनफॉल रिलीज़ कर सकते हैं। तो जब ये पेटेंट्स हुए, इन्वेंशंस हुई, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अप्रिशिएट किया। और हालांकि उस वक्त मेरा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज मैं जिस तरह एक दूसरी कंट्री में जाके PhD कर रही थी, साथ बेटी भी छोटी थी, हस्बैंड पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल, और इसको आगे जाना चाहिए इस काम को। आप इसको अभी, आपने थोरेटिकली सारा बिल्डअप किया है, अब मेरे वालिद की इन्वेंशंस थी, पेटेंट्स थे, मैंने उसके ऊपर इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह बनाया, और जिस पे मुझे PhD ग्रांट हुई, एंड माय प्रोफेसर सेड कि आप इसको यू नो डेवलप करें एज अ प्रोडक्ट। तो वहाँ मुझे ऑप्शंस थी, ऑफर्स थी कि मैं वहीं पे इसको कंटिन्यू करूँ और सेटल हूँ, बट आई ऑप्टेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। एंड देन व्हेन आई केम बैक, आई सेट अप दिस कंपनी विद माय फादर मसूद लतीफ़ कुरैशी, वी बोथ सेट दिस अप टू डेवलप द प्रोटोटाइप। तो हमने इस टेक्नोलॉजी का एक प्रोटोटाइप, यानी एक स्मॉल स्केल पे एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और इसी के साथ साथ हमने एक पाकिस्तान का पहला जेट इंजन भी डेवलप किया, क्योंकि पाकिस्तान में ये एज अ प्राइवेट लिमिटेड कमर्शियल कंपनी, दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले आप भी जानते होंगे कि ज़्यादातर जब एरोस्पेस की बात होती है, तो एयरफोर्स की बात होती है, या टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह की डिफेंस डोमेन में। तो हमने पहली दफ़ा सिविल डोमेन में, कमर्शियल स्पेस में एक ऐसी कंपनी बनाई जो कि जहाज़ों के इंजन पे R&D करती है, उनको डेवलप करती है। कुछ चैलेंजेस तो होते हैं, आपको इंडिविजुअल लेवल पे डील करना पड़ता है, एंड आई थिंक वो तो बहुत अर्ली मुझे डील करना पड़ा, जो आप कह रहे हैं एज अ वुमन टू बी टेकन प्रोफेशनली एंड टू बी टेकन सीरियसली। एक स्टेज आती है कि जब आपका काम जो होता है ना, दैट स्पीक्स फॉर इट्स सेल्फ, फिर वो बात नहीं रहती दैट यू आर अ मैन और अ वुमन, इट्स द वर्क, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं, जो बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ होती हैं, या यू नो
यू फैंसी देम, यू रीड अबाउट देम. तो इसी तरह दो तीन जहाज थे उस ज़माने में, एक एयरबस 380 था जो सबसे बड़ा दुनिया का जहाज था. तो ये चीज़ें हमें पता होती हैं. तो वापस जब मैं आई और हम इंजन्स पे काम कर रहे थे, तो मैंने ऐसी डिस्कशन, मेरे वालिद साहब मुझे दिखा रहे थे JF-17 का इंजन, जस्ट डिस्कसिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़. तो मैंने उनको बताया किस तरह मेरा भी एक आइडिया है. तो पहले तो टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब कोविड हुआ तो फिर एक पीस ऑफ माइंड उस तरह का मिल गया. डे टू डे ऑपरेशंस ज़रा स्लो डाउन हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं. तो उस वक्त फिर मैंने इसका पेटेंट लिखा और यूके में वो विद इन 9 months ग्रांट हो गया. वो इससे भी नेक्स्ट लेवल है टेक्नोलॉजी का. तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दें, क्योंकि अभी तो हमारा फोकस अपने इको फ्रेंडली जेट इंजन पर है, क्योंकि हमने उसको लार्ज स्केल पर कमर्शियल साइज़ के ऊपर डेवलप करना है और उसको लॉन्च करना है कमर्शियली. क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और वो जो इंजीनियर्स और यंग लोगों को ट्रेन करते हैं, उनके लिए यहाँ जॉब्स नहीं हैं. तो हम अपने ट्रेंड इंजीनियर्स, ट्रेंड प्रोफेशनल्स, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो बाहर चले जाते हैं और वो उधर उनको फ़ायदा देते हैं, उनकी इंडस्ट्री को फ़ायदा देते हैं. दूसरा एक इशू ये भी है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसकी प्रायोरिटीज़ और यूथ की प्रायोरिटीज़, वो अब इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ नहीं जाते. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी मेरे जो प्रोफेसर हैं जिनसे मैंने सीखा पढ़ा है, अब मैं भी जब, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इंजन्स बनाती हूँ, फायर करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, कई दफ़ा मेरे सवाल जो होते हैं वो उनको भी सोच में डाल देते हैं. बिकॉज थ्योरी में या बुक में एक चीज़ पढ़ना, एक रियलिटी में उस चीज़ को बनाना एंड टू आल्सो टू मेक इट वर्क, तो वो फोकस नहीं है स्टूडेंट्स में और वो करना भी नहीं चाहते, वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते. अब आप किसी भी कंट्री में कोई आपको फंड्स देगा, वो आपसे यही कंडीशन रखते हैं कि आप हमारे मुल्क में काम करें, कि हमारी इकॉनमी को इससे बूस्ट मिले, हमारे लोगों को इससे जॉब मिले, हमारे मुल्क में अवेयरनेस आए. तो दैट इज़ अ चैलेंज. हु रूल द स्काई कॉन्कर द वर्ल्ड. जब आप कोई इंजन या वो बनाते हैं तो उसकी वर्थ जो है, बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट यू पुट इनटू इट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी यू पुट इनटू इट, वो बहुत ज़्यादा है. वो हर किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत क्रिटिकल है. अगर हम भी ये खुद बनाएंगे तो हम बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज सेव करेंगे, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी. और बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में कि उनकी एक लीग है जो कि इंजन्स बनाते हैं. तो आई वांट कि पाकिस्तान भी उस लीग में शामिल हो. यूथ को मैं यही कहूँगी कि देखें, आपको सीखने से कोई नहीं रोक रहा, सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर वो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बहुत अच्छी जॉब ही दे और फिर ही आपको जहाँ जो सीखने का मौका मिल रहा है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करें, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल. तो एक एटीट्यूड होना चाहिए टू लर्न. सो दैट्स माई मैसेज टू दैम, दैट दे शुड यू नो टेक ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ऑल्सो वैल्यू टाइम.